हेलो फ्रेंड्स दोस्तों आज की स्लाइड हमारा थोड़ा सा अलग होने वाली है क्योंकि यहां पर हम डिस्कस करेंगे और कवर करेंगे बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट से पूछे जाने वाले उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में अवश्य मिलेंगे दोस्तों हमारी ये स्लाइड आपको थोड़ा सा कंसनट्रेट होकर देखनी होगी क्योंकि यहाँ पर हम हर एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को डिस्कस करेंगे यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन में चार चार पाँच पाँच छः छः ऑप्शन मिलेंगे तो इसका मोटिव हमारा मेन ये था कि आपको कम समय में अच्छे से अच्छे और ज्यादा क्वेश्चन का रिविजन करवा सकें तो प्लीज फ्रेंड्स आपको इस वीडियो को बहुत ही कंसंट्रेट होकर देखना है क्योंकि अगर इस स्लाइड को आपने अच्छे से देख लिया तो बायोकेमिस्ट्री में चैलेंज करता हूं कि अगर पेपर डिप्लोमा इन फार्मेसी लेवल का है तो वहां पर इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की स्लाइड को पहला क्वेश्चन है हमारा रिएजेंट कंसिस्ट ऑफ आपको यहां पर यह बताना है कि बायूरेट रिएजेंट जो होता है वो क्या कंटेन करता है पहला ऑप्शन है आपका सोल्यशन ऑफ डायलूट कॉपर सल्फेट एंड एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दूसरा ऑप्शन है टेन परसेंट मर्क्यूस क्लोराइड इन एस टूएस फोर तीसरा ऑप्शन है आपका अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड और चौथा ऑप्शन है आपका एल्कोहलिक एल्फा नेफ्थॉल एंड सोडियम हाइपोब्रोमाइड तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए जो कि है सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट कॉपर सल्फेट एंड एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक है जो बायोरेट रिएजेंट होता है ये बायोरेट टेस्ट में यूज किया जाता है और बायोरेट टेस्ट हमारा किसके लिए होता है ये प्रोटीन के लिए होता है ठीक है प्रोटीन के हैं या अमीनो एसिड्स तो अब दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके सभी ऑप्शंस को तो दूसरा ऑप्शन है हमारा टेन परसेंर्क्यूरस क्लोराइड इन एच टू एसओ फोर तो ये हमारा मिलन होता है, है? जो मिलन टेस्ट होता है उसमें ये यूज किया जाता है और मिलन टेस्ट किसके लिए टेस्ट होता है ये हमारा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है फॉर द टायरोन अमीनो एसिड ठीक है और जो तीसरा ऑप्शन है हमारा अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट के लिए होता है और ये टेस्ट करैक्टरिस्टिक टेस्ट होता है फॉर सिस्टीन अमीनो एसिड ठीक है और सिस्टीन कैसा अमीनो एसिड है ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है और हमारा चौथा ऑप्शन है एल्कोहलिक एल्फा नेफ्थॉल एंड सोडियम हाइपोब्रोमाइड तो ये हमारा साकागुची रिएजेंट होता है जो कि यूज किया जाता है इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अर्जिनिन अमीनो एसिड अगला क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन आपको यहां पर यह बताना है कि कौन सा टेस्ट आपका प्रोटीन के लिए क्वालिटेटिव टेस्ट नहीं है ठीक है पहला ऑप्शन है आपका सैकोगुची टेस्ट दूसरा ऑप्शन है आपका सेलिवॉन ऑफ आप टेस्ट तीसरा ऑप्शन है आपका निन्हाइड्रीन टेस्ट चौथा ऑप्शन है मिलन टेस्ट और पांचवा ऑप्शन है लेड एसीटेट टेस्ट तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी जो की सेलिवॉन ऑफ टेस्ट ठीक है, है? देखिए जितने भी ऑप्शन है हमारे ए सी डी ई ये चारों टेस्ट हमारे होते हैं प्रोटीन के लिए ठीक है और जो हमारा सेलिवॉन ऑफ टेस्ट होता है ये कार्बोहाइड्रेट के लिए करेक्टर टेस्ट होता है तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर बी तो चलिए इसमें जो स्पेशल इस है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार तो पहला है हमारा साकागुची टेस्ट पहले वाले हम क्वेश्चन में इसको सॉल्व कर चुके हैं तो साकागुची टेस्ट, है टेस्ट होता है हमारा करेक्टर टेस्ट होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ अर्जीन अमीनो एसिड और अर्जिन कैसा अमीनो एसिड है बेसिक अमीनो एसिड है ठीक है और तीसरा है हमारा निन हाइड्रीन टेस्ट तो ये तो करेक्टरिस्टिक क्वालिटेटिव टेस्ट होता है प्रोटीन के लिए तीसरा है हमारा मिलन टेस्ट तो मिलन टेस्ट जो होता है टाइरोसिन अमीनो एसिड के लिए करेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है और जो पांचवा है हमारा लेड एसिटेड टेस्ट ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स के लिए रेस्पॉसिबल होता है और अगर हम बात करें दूसरे ऑप्शन की जो कि है सेलिमोन ऑफ टेस्ट तो ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है फॉर द फ्रक्टोज दैट मीन ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कीटोन ग्रुप कंटेन करते हैं उसके लिए ये पॉजिटिव टेस्ट होता है अगला क्वेश्चन है हमारा मिलन टेस्ट इज करेक्टर स्टिक टेस्ट फॉर प्रोटीन कंटेनिंग अमीनो एसिड देखिए ये क्वेश्चन हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन कह रहा है आपका कि जो मिलन टेस्ट होता है वो किस अमीनो एसिड के लिए करेक्टर स्टिक टेस्ट होता है ठीक है तो सबसे पहले आपके दिमाग में तुरंत आंसर आ जाना चाहिए क्योंकि ये टायरोसिन अमीनो एसिड के लिए करेक्टर स्टिक टेस्ट होता है और टायरोसिन कैसी अमीनो एसिड है एरोमेटिक अमीनो एसिड है दूसरा ऑप्शन है आपका सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड तो इसका कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट टेस्ट होता है हमारा, टेस्ट, है।, है हमारा लेड ठीक तीसरा ऑप्शन है हमारा अर्जिनिन तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं साकागुची टेस्ट जो होता है हमारा वो इसके लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है और जो चौथा ऑप्शन है हमारा सिस्टीन यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गई है तो ये हमारा चौथा ऑप्शन सिस्टीन है इसके लिए सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट करेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा एल्केप्टोन्यूरिया इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद आपको यहां पर बताना है कि एल्केप्टोन्यूरिया जो कि हमारा एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और ये किससे संबंधित है दैट मीनस किसका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ये पहला ऑप्शन है आपका सिस्टीन दूसरा ऑप्शन है अर्जिन तीसरा ऑप्शन है ट्रिप्टोफेन और चौथा ऑप्शन है टायरोसिन तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी जो कि है टायरोसिन तो टायरोसिन का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट कौन सा था मिलन टेस्ट ठीक है और ये कैसी अमीनो एसिड है ये एरोमेटिक अमीनो एसिड है तो जो एलकेप्टोनिया है ये एक अमीनो एसिड के द्वारा कॉज होने वाला मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है एलके से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे पेशेंट जो कि एलकेप्टोन यूरिया से ग्रसित होते हैं उनकी जब यूरिन एयर के टच में आती है तो वो ब्लैक क्यों हो जाती है ठीक है तो देखिए एक एंजाइम होता है हमारा होमोजेनाइटेज ऑक्सीडेज जिसकी कमी के कारण जो होमोजेनेटिस एसिड होता है इसका डिपोजिशन हमारे बॉडी के अंदर होने लगता है और जब इसकी ज्यादा अधिकता होती है तो यह ब्लड और यूरिन में भी अपियर होने लगता है ठीक है और जैसे ही यूरिन एयर के टच में आता है जो हमारा होमोजेनेटिस एसिड था उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है जिसके कारण यूरिन का कलर ब्लैक हो जाता है ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट यहां पर आपको बहुत सारे पेयर्स दिए गए हैं आपको बताना है कि कौन सा पेयर गलत है पहला ऑप्शन है आपका ग्लूकोज मोनोसैक्राइड दूसरा ऑप्शन है फ्रक्टोज मोनोसैक्राइड तीसरा है स्टार्च होमोपोलीसेक्राइड चौथा है हिपेरिन हेट्रोपोलिसक्राइड पांचवा है सेल्लोज पॉलीसेक्राइड और छठा है सुक्रोज मोनोसेकेराइड देखिए ये जो छठा ऑप्शन है आपका सुक्रोज मोनोसेक्राइड यही ऑप्शन आपका गलत है क्योंकि जो सुक्रोज होता है हमारा ये डाइसेकेराइड होता है ठीक है सुक्रोज है माल्टोज है लैक्टोज है ये सारे हमारे कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं डाइसेकेराइड होते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा सुक्रोज इज डिफर फ्रॉम लैक्टोज एंड माल्टोज ड्यू टू देखिए सुक्रोज लैक्टोज और माल्टोज ये तीनों हमारे डाई सेकराइट सुगर होते हैं यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि सुक्रोज जो होता है ये लैक्टोज और माल्टोज से किस तरह से डिफ्रेंसिएट होता है ठीक है पहला ऑप्शन है आपका सुक्रोज इज रेड्यूसिंग शुगर दूसरा ऑप्शन है आपका सुक्रोज इज नॉन रेड्यूसिंग शुगर तीसरा ऑप्शन है सुक्रोज कैन नॉट फॉर्म ओसाजोन्स

अगला क्वेश्चन है हमारा फॉर रेड्यूसिंग शुगर विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट विल बी पॉजिटिव आपको यहां पर बताना है कि रेड्यूसिंग शुगर के लिए कौन सा टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट है पहला ऑप्शन है आपका फेलिंग टेस्ट दूसरा ऑप्शन है बेंडिक टेस्ट तीसरा ऑप्शन है टॉल एंड टेस्ट और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एब तो देखिए ये तीनों टेस्ट हमारे रेड्यूसिंग शुगर के लिए पॉजिटिव टेस्ट होते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा टेस्ट कार्बोहाइड्रेट के लिए करेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है या कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है तो पहला ऑप्शन है आपका मिलन टेस्ट दूसरा ऑप्शन है मॉलिश टेस्ट तीसरा ऑप्शन है सेलिवॉन ऑफ टेस्ट और चौथा ऑप्शन है साकागुची टेस्ट ठीक है तो देखिए मिलन टेस्ट सेलिवॉन ऑफ टेस्ट और साकागुची टेस्ट ये हम पढ़ चुके हैं कि ये प्रोटीन्स के लिए होते हैं ठीक है तो यहां पर हमारा सीधा सा ऑप्शन बी हो जाता है तो जो मॉलिस्ट टेस्ट होता है ये टेस्ट होता है फॉर द कार्बोहाइड्रेट अगर हम बात करें मॉलिस्ट रिएजेंट के बारे में कि आखिर मॉलिस्ट रिएजेंट क्या कंटेन करता है तो इसके अंदर होता है नेफ्थॉल एंड कंसेंट्रेट एच टू एसओ फोर ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बार बार पूछा जाता है तो इसको आपको याद रखना है ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर इट इज द नंबर ऑफ डॉट 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 ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू ग्राम ऑफ फैट और ऑयल दोस्तों यहां यहां पर आपसे सीधे नंबर की डेफिनेशन पूछी गई है है ठीक पर जो ब्लैंक पोर्शन है आपको उसको फिल करना है तो पहला ऑप्शन है आपका किलोग्राम दूसरा ऑप्शन है, gram, तीसरा है ग्राम तीसरा ऑप्शन है मिलीग्राम और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द ठीक है तो डी ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होना है आपको अब तीन ऑप्शन में से चूज करना है कि कितनी क्वांटिटी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिक्वायर्ड है टू सेपोनीफाई वन ग्राम ऑफ फैट और ऑयल

ग्राम ऑफ फैट ये डिफिनेशन होती है अदरवाइज सब में मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट होती है अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फैटी एसिड आपको यहां पर बताना है कि कौन सा हमारा एसेंशियल फैटी एसिड है पहला ऑप्शन है आपका लाइनोलिक एसिड दूसरा ऑप्शन है लाइनोलेनिक एसिड तीसरा ऑप्शन है अरेकिडोनिक एसिड और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबब तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी जो कि है ऑल ऑफ द एबब देखिए लाइनोलिक लाइनोलैनिक और एरेकिडोनिक एसिड ये तीनों हमारी बॉडी के अंदर सिंथिसाइज नहीं होते हैं इसलिए ये तीनों एसेंशियल फैटी एसिड हो जाते हैं ठीक है देखिए सीधी सी बात ये होती है कि हमारी बॉडी के अंदर जो चीजें सिंथेसाइज होती हैं वो हमारे लिए नॉन एसेंशियल होती हैं और जिनकी सिंथेसिस हमारी बॉडी के अंदर नहीं होती है वो सारे सब्सटेंस हमारे लिए एसेंशियल होते हैं ठीक है तो यहाँ पर जो तीन फैटी एसिड्स हैं हमारे लाइनोलिक लाइनोलैनिक एंड एरेकिडोनिक एसिड ये तीनों हमारे एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं ठीक है अगर हम बात करें

अगला क्वेश्चन है हमारा गाउचर डिजीज इज रिलेटेड टू आपको यहां पर बताना है कि गाउचर डिजीज किससे संबंधित है पहला ऑप्शन आपका डिसऑर्डर ऑफ सेरिब्रोसाइड मेटाबॉलिज्म डिफिस ऑफ ऑप्शन है डी तो जो है ऑल ऑफ द एब देखिए जो गाउचे डिजीज होती है ये ड्यू टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ सेरिब्रोसाइड के कारण होती है और सेरिब्रोसाइट के एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म क्यों होती है क्योंकि यहां पर एक एंजाइम होता है हमारा ग्लूकोज से

चौथा ऑप्शन है एंड फिनाइल तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए जो कि है टायरोसिन एंड फिनाइल एलेनिन अगला क्वेश्चन है हमारा द स्ट्रक्चर ऑफ नियासिन कंटेन आपको यहां पर बहुत सारी रिंग दी गई हैं आपको यह बताना है कि जो नियासिन का स्ट्रक्चर होता है वो कौन सी रिंग को कंटेन करता है ठीक है नियासिन मतलब निकोटेनिक एसिड या विटामिन बी थ्री पहला ऑप्शन आपका पायरिडीन रिंग दूसरा ऑप्शन है पारिमिडीन रिंग तीसरा ऑप्शन है इमिडाजोल रिंग और चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी ठीक है तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए जो कि है पायरिडीन रिंग जो हमारा नियासिन होता है या विटामिन बी थ्री होता है ये पायरिडीन रिंग कंटेन करता है ओके अगला क्वेश्चन है हमारा डिफिशियंसी ऑफ फोलिक एसिड लीड्स टू क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि अगर हमारी बॉडी के अंदर फोलिक एसिड डिफिशियंसी है तो वो कौन सी डिजीज को जनरेट करेगी पहला ऑप्शन है आपका नाइट ब्लाइंडनेस दूसरा ऑप्शन है रिकेट्स तीसरा ऑप्शन है माइक्रोसाइटिक एनीमिया और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एब तो सबसे पहली बात वीडियो को पॉज कीजिए और इसको खुद सॉल्व कीजिए अगर आप इसमें कोई गलती करते हैं हालांकि यहाँ पर कंफ्यूजन वाले केस है नहीं अगर यहाँ पर तीन चार तरह की एनेमिया दी गई होती तो आपका ऑप्शन गलत हो सकता था लेकिन यहाँ पर एक ही एनीमिया दी गई है तो आप उसी को टिक कर देंगे जो कि आपका सी ऑप्शन है तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सी जो कि है माइक्रोसाइटिक एनीमिया अगर हम बात करें एनीमिया की तो बहुत सारी तरह की एनीमिया होती हैं जैसे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया दूसरा मिगेलो एनीमिया तीसरा सिकल सेल एनीमिया चौथा हेमोलिटिक एनीमिया तो ये बहुत सारी एनीमिया होती हैं तो अगर एनीमिया से रिलेटेड दो एक ऑप्शन यहाँ पर और होते तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते थे ठीक है तो आइए बात कर लेते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया क्या होती है ठीक है तो देखिए यहाँ पर विटामिन बी ट्वेल्व एंड फोलिक एसिड विटामिन बी नाइन दोनों की डिफिशियंसी हो जाती है जिसके कारण जो आरबीसीज का मेचुरेशन होता है वो डिफेक्टिव होता है तो यहाँ पर मेगेलो बनते हैं इन द प्लेस ऑफ नॉर्मल आरबीसी ठीक है तो ये होती है हमारी मेगेलो एनीमिया अगर हम बात करें माइक्रोसाइटिक एनीमिया तो वो आयरन डिफिशियंसी के कारण होती है जो हमारी सिकल सेल एनीमिया है उसमें क्या होता है उसमें जाता है. HBA, जो हमारा होता है, लेकिन अगर हम बात करें पर्नीसियस एनीमिया क्या होती है तो एनीमिया में अब्सेंस ऑफ इंटेंसिक फैक्टर होता है ठीक है इंटेंसिक फैक्टर जो कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा के द्वारा सेक्रेट किया जाता है इसकी कमी हो जाती है जिसके कारण एबजॉस ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व नहीं हो पाता है तो वहां पर हमें एनीमिया हो जाती है अगला क्वेश्चन है हमारा ऑल कंपाउंड लिस्टेड बिलो एक्ट एज कंपेटेटिव इनिवेटर ऑफ एंजाइम एक्सेप्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि जो आपके चार ड्रग्स दी गई हैं। इनमें से कोई एक ड्रग ऐसी है जो कि इनहिबिटर ऑफ एंजाइम की तरह वर्क नहीं करती। बाकी की जो तीन ड्रग होंगी वो किसी कि किसी है। है? तो तो एक एंजाइम है उसको इनहिबिट करके अपना एंटी कैंसरस इफेक्ट प्रोड्यूस करती है ठीक है तीसरा ऑप्शन है हमारा एलोप्यूरिनॉल दूसरे ऑप्शन को हम बाद में डिस्कस करेंगे तो पहले डिस्कस करते हैं एलोप्यू ल को तो ये हमारा जैन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है ये गाउट के लिए यूज किया जाता है जहां पर ये जैन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करता है ठीक है

चौथा ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सोडियम टार्ट्रेट तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस रॉकेल साल्ट रॉकेल साल्ट का दूसरा नाम होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट ठीक है जो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है उसको हम बोलते हैं रॉकेल साल्ट तो ये तो हो गया फेलिंग सोल्यूशन बी जो कि कलरलेस होता है अगर हम बात करें फेलिंग सोल्यूशन ए के बारे में जो कि कलर्ड लिक्विड होता है तो उसमें होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर सल्फेट ठीक है तो वो होता है हमारा फेलिंग सोल्यूशन ए ओके अगला क्वेश्चन है हमारा पर्नीसियस एनीमिया इज कॉज बाय देखिए पर्नीसियस एनीमिया के बारे में हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं ठीक है लेकिन क्वेश्चन है तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको पहला ऑप्शन है आपका इन एडिकुएट इनटेक ऑफ विटामिन बी वन गलत है दूसरा ऑप्शन है डेफिशियसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड ये भी गलत है है, के नहीं होगा हो तो वहां पर जो आरबीसी का मेच्योरेशन होगा वो डिफेक्टिव मेच्योर होती है इसलिए जो पर्निस एनिमिया होती है यह होती है ड्यू टू ऑफेंस ऑफ इंटेंसिक फैक्टर ओके अगला क्वेश्चन है हमारा कीटोसिस इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व इन आपको बताना है कि कीटोसिस किस केस में मोस्टली ऑब्जर्व की जाती है पहला ऑप्शन आपका मलेरिया दूसरा ऑप्शन है वायरल इन्फ्लुएंजा तीसरा ऑप्शन है डायबिटीज चौथा ऑप्शन है आपका निमोनिया तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी जो कि है डायबिटीज मिलेटस जो कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन होता है ये हमारी बॉडी के अंदर डायबिटीज मिलेटस के केस में सबसे ज्यादा होता है ओके अगला क्वेश्चन है आपका कोलेस्ट्रॉल सर्व एज द पिकर्सर फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि यहां पर कोई तीन ऑप्शन आपके ऐसे हैं जिनके लिए कोलेस्ट्रॉल प्रिकर्सर की तरह काम करता है ठीक है लेकिन एक के लिए प्रिकर्सर की तरह वर्क नहीं करता वो कौन सा है पहला ऑप्शन है आपका टेस्टिस्टर दूसरा ऑप्शन है प्रोजेस्ट्रॉन तीसरा ऑप्शन है विटामिन डी और चौथा ऑप्शन है विटामिन बी ट्वेल्व तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी जो कि है विटामिन बी ट्वेल्व ठीक है दोस्तों हमारी हर एक स्लाइड की तरह यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग लीवर फंक्शन टेस्ट मेजर द डिटॉक्सिकेटिंग फंक्शन ऑफ लिवर पहला ऑप्शन है आपका गलेक्टोज टॉलरेंस टेस्ट दूसरा ऑप्शन है बी एस पी रिटेंशन टेस्ट तीसरा ऑप्शन है हिप्यूरिक एसिड टेस्ट और चौथा ऑप्शन है रोज बेंगल टेस्ट। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी तरह का कंफ्यूजन होता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों हम अपनी अगली स्लाइड में बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री के जो बचे हुए क्वेश्चन है जो की हमारे लिए इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से उनके बारे में प्लीज फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल